भारत सरकार ने आज एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार की बातें कही जा रही हैं जो सच्चाई नहीं है। उन्हें उन्होंने कहा कि ये मिथ्स को बस्ट कर रहे हैं। तो पहला मिथ उन्होंने कहा कि सेंटर इज नॉट डूइंग इनफ टू बाय वैक्सीन्स फ्रॉम अब्रॉड, कि सरकार जो है बहुत अधिक काम नहीं कर रही है बाहर से वैक्सीन्स खरीदने में। तो सवाल ये उठता है कि मोदी की सरकार जो है वो अब तक सो रही थी या बैठी हुई थी, उन्हें नहीं पता था कि तैयारी करनी है, मगर दिक्कत यहाँ नहीं है। दिक्कत ये है कि प्रधानमंत्री तो ये कह रहे थे, जिन्होंने निमंत्रण दिया था ट्रंप को और साथ ही निमंत्रण दिया था इस कोविड वायरस को, जिन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने के लिए राहुल गांधी की बातों को नहीं सुना, जिन्होंने कहा कि सुनामी आने वाली है और तैयारी कर लो, लेकिन सुनाई नहीं दिया। और जब कोविड आ गया तो लॉकडाउन किया और तमाम तरह की बातें करी और आपदा में अवसर गिद्ध बना दिए उन्होंने देश में। और आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री स्वयं जिस तरह की बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं कि गीदड़ और गीदड़ भभकियाँ देकर आप देश नहीं चला सकते, आप गीदड़ भभकियों में उलझे रहेंगे लेकिन देश के लिए आप कार्य नहीं करेंगे। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को ठीक नहीं कर सकते, ट्विटर पे ट्विटर करते हैं, कभी चिट्ठियां लिखते हैं, स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जब कोविड की तैयारी, कोविड की वैक्सीन्स की तैयारियां शुरू हो गई थी, क्या उसी वक्त हमारी सरकार को ऑर्डर्स प्लेस नहीं कर देने चाहिए थे? पहले ये देखना चाहिए था कि हमारे देश में कितनी वैक्सीन्स तैयार हो जाएंगी। आप इस बात को समझ लीजिए कि हमारे देश में केवल एक ही वैक्सीन है जो अपनी है, जो अपने यहाँ बनी है, हमारे साइंटिस्ट्स ने बनाई है, वो है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। जो दूसरी वाली वैक्सीन है वो ऑक्सफर्ड और उसके डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगी, उसको कोई भारत में नहीं बनाया गया, भारत को उसका कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसका उत्पादन यानी कि मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो रही बात उसकी, यानी कि जो अधिकतर लोगों को मिली है, जो कोविशील्ड जिसका नाम है, वो वैक्सीन को भारत में साइंटिस्ट्स ने उत्पादित करने के लिए, उसका इन्वेंशन नहीं किया है, उसको केवल उत्पादित किया है एक कंपनी ने जिसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। भारत में क्या ये सरकार को नहीं देखना चाहिए था कि हम किस तरह से अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाएंगे और हम अपने देश के लोगों के लिए कितनी वैक्सीन बनाएंगे? क्या हमें नहीं पता कि हमारे देश में कितने लोग हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो सरकार में बैठी हुई है उनको नहीं पता कि हमारे देश में कितने लोग हैं और कितनी वैक्सीन चाहिए होगी? अगर वैक्सीन की डबल डोज चाहिए तो उसकी भी तैयारी करनी चाहिए थी। लेकिन जिस वक्त इन सब चीजों की तैयारी हो रही थी, क्या हमारी सरकार सोई हुई थी? हमारी सरकार आज कह रही है, उनके तमाम प्रवक्ता कह रहे हैं कि हमारे देश की जनसंख्या इतनी ज्यादा है जितनी किसी और देश में नहीं है, इस देश के लोगों को मिला लो तो भी हमारी जनसंख्या उनसे अधिक है। तो क्या आपको यह पहले नहीं पता था, यह अभी पता चला? क्या प्रधानमंत्री को यह पहले नहीं पता था जब प्रधानमंत्री इस बात को कह रहे थे कि आपदा में अवसर ढूंढ लो और सारी दुनिया के देश हमारी तरफ देखेंगे, हम दवाई देंगे, हम वैक्सीन का उत्पादन करेंगे, उनको भेजेंगे, ये सब इनको पता नहीं था? या कुछ भी बोल देते हैं, खाली मुंह खोलते हैं, जीएसटी लगता नहीं और जीएसटी भी इनकी है तो ये जीएसटी वैसे भी नहीं लगाएंगे, इसलिए कुछ भी बोल देते हैं। आज जो मुसीबतें हम सबके सामने हैं वो इस सरकार की वजह से। किस तरह से काले कृषि कानून लेके आए, वो भी एक अध्यादेश के माध्यम से, उसे ध्वनिमत से पारित कराया, तमाम हमारे किसान बहनें और भाई सड़कों पे आ गए, उनके परिवार सड़कों पे आ गए, मगर इस सरकार को जरा सी भी इनके कानों में जू नहीं रहेंगी। देखिए कि किस प्रकार से हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं आज प्रेशर में आ गए, मगर हमारे प्रधानमंत्री ने किस प्रकार से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस को संबोधित करते हुए ये कहा कि हमने तो जीत लिया है जंग करोना का। और लोग कहते थे, ज्ञानी लोग, पढ़े लिखे लोग कहते थे कि हमारे देश में सबसे बुरे हाल होंगे, हमारे देश में 10 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु होगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब प्रधानमंत्री तैयारी करने को तैयार नहीं थे। अब आपको समझ में आया, मैं बार बार आपको कहती हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाया करिए, बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो वो नरेंद्र मोदी की तरह हो जाएंगे। अब वो 35 साल अगर भिक्षा मांगने निकल गए तो समझ लीजिए कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। अब उसके बाद ये इलेक्शन रैली कर रहे हैं क्योंकि इन्हें चुनाव लड़ना है, इन्हें सत्ता में बने रहना है, सत्ता आनी जानी होनी चाहिए, सत्ता का की लोलुपता लालसा इतनी नहीं होनी चाहिए कि आप लोगों के जीवनों से खिलवाड़ कर दें। लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने वाली भारतीय जनता पार्टी का काम ही ये है, क्योंकि इन्हें केवल खुद को सत्ता में रखना है। देख लीजिए कि कैसी अव्यवस्था की व्यवस्था वाली सरकार है ये। इन्होंने जो पहला आज ये डॉक्यूमेंट लेके आया, इसमें कहा कि हम बताएंगे कि जी ये ऐसे हुआ और ये कहा जा रहा है लेकिन हमने ऐसे किया, और सफाई देंगे, मतलब सफाई देने आ गए।
सफाई देने की जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी की, प्रचंड बहुमत की, केंद्र की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जरूरत है तो वो समाधान दे। अगर आपसे सवाल हो रहे हैं तो समाधान दे। आप केवल मिथ्स को बस्ट करने के लिए, यानी कि आप जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं आपके हिसाब से, क्योंकि अब इनसे जब काम नहीं हो रहा है तो जिस देश को ये कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए चले थे और कह रहे थे हमने तो कांग्रेस की विचारधारा भी खत्म कर दी, उसमें ये कांग्रेस पे हर चीज का ठीकरा फोड़ रहे हैं। मतलब आने के पहले कह रहे थे कि कांग्रेस कोई काम नहीं करती इसलिए आ रहे हैं, और इतने बड़े बड़े झूठ आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट करते हैं क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो कुछ करी नहीं। एमए मैथ्स की डिग्री या एमएससी मैथ्स की डिग्री है इनके पास। अब ये डिग्री कहाँ से आई ये यही जानते हैं, कहते हैं मेरे ही शहर से पढ़ के गए हैं, लेकिन कमाल है इनका कि किस प्रकार की अव्यवस्था है, कितने लोगों के शव दबाए जा रहे हैं गंगा नदी के तट पे, गंगा नदी में बह रहे हैं। 1621 प्राइमरी टीचर्स की मृत्यु हो गई, उनका संघ बताता है, ये कहते हैं 3 लोगों की मृत्यु हुई। किस प्रकार के झूठ हैं ये, क्यों झूठ बता रहे हैं, क्यों चीज़ों को छुपा रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि कितने एम्स बनाए कांग्रेस पार्टी ने ये बता दे, तो आदित्यनाथ को मैं ये बता दूं कि कांग्रेस पार्टी ने न केवल पहला एम्स बनाया मगर उसके बाद भी जो एम्स बने हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी 1-2 शुरू करे गए और उससे कहीं अधिक शुरू करे गए मनमोहन सिंह जी की सरकार में 2004 से 2014 तक के बीच में। शायद इनको ज़्यादा कुछ पता नहीं। उसके बाद वही प्रोसेस कंटिन्यू करके और एम्स को बनाए जाने का निश्चय लिया और उनका ऑर्डर पास हो गया सरकार के द्वारा, लेकिन अधिकतर में केवल क्लास चल रही है या वो पार्शियली ऑपरेशनल है। अगर आप लोगों को मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो गूगल करिए एम्स और देखिए विकिपीडिया में ही, और कहीं मत जाइए, वहीं पे आपको मिल जाएगा पूरा डेटा कि कितने काम कर रहे हैं और कितने नहीं। इसलिए जिस तरह से ये झोला छापों को, जैसे रामदेव रामकिशन यादव को प्रमोट कर रहे हैं, उसके कोरोनिल के लॉन्चिंग में पहुंच गए थे स्वास्थ्य मंत्री, तभी तो ये भी तो झोला छाप ही नज़र आ रहे हैं मुझे। जो झोला छाप को प्रमोट करेगा वो खुद क्या होगा ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। उनके साथ नितिन गडकरी जी भी चले गए जिनको मैं बहुत समझदार समझती हूँ। आज अगर सरकार बदलनी पड़ी है, अगर मुख्यमंत्री बदलना पड़ा है उत्तराखंड में और यही स्थिति हो रही है उत्तर प्रदेश में, तो क्या बताता है ये कि मोदी जी कंट्रोल करना चाहते हैं। अब आप मुझे बताइए कि जिस वक्त मोदी जी ने पूरे सिस्टम को कंट्रोल किया हुआ था तो उस वक्त किसको ऑर्डर्स देने चाहिए थे। अगर वैक्सीन देश में इतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं हो सकते थे, उनका उत्पादन नहीं हो सकता था, तो क्या इनको आवश्यकता नहीं थी कि ये उन कंपनीज को ऑर्डर देते जो बाहर की कंपनी थी, जो विदेश की कंपनी थी। जब कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने इस बात को उठाया तो उन पर तमाम सवाल उठाए। रविशंकर प्रसाद वही जो बिना सोचे बोलते हैं, मतलब उनकी बातों में कोई तर्क नहीं होता, और उस वक्त कहा कि अरे ये तो फॉरेन लॉबी के साथ काम करना चाहते। उसके बाद क्यों? क्योंकि देश में क्षमता आपने खत्म कर दी। ऐसा नहीं है कि क्षमता नहीं है। साथियों आपको याद रखना चाहिए कि भारत विश्व के उन देशों में से है जो सबसे अधिक मात्रा में वैक्सीन्स का उत्पादन करता है, पूरे विश्व को सप्लाई भी करता है, ये उन चंद देशों में से है। हम भारतीयों को इस पर बड़ा गर्व होता था, मगर ये आपदा में अवसर ढूंढने वाले, इनको पता ही नहीं था क्या करना है और इन्होंने तैयारी नहीं करी और आज देखिए क्या हालत कर दी। अब इनके झूठ देखिए, आज अगर आप जाते हैं, आप कह रहे हैं कि भाई किसी भी देश में इतनी पॉपुलेशन नहीं है। पहले कह रहे थे हमारी स्थिति बड़े बड़े देशों से बेहतर है, याद है ना आपको पहले ये बात कही। आप कह रहे हैं किसी भी देश में इतनी जनसंख्या नहीं है जितनी हमारी है और हम कोशिश कर रहे हैं। भाई आपके कोशिश और आपके प्रयासों में लोगों की मौतें हो रही हैं और जिन लोगों की मौतें हो रही है वो अपने परिवार के सदस्य हैं, वो परिवार खत्म हो जा रहे हैं। शायद आपको ये समझ नहीं आ रहा या समझना नहीं चाहते क्योंकि आप तो अपने आप को वैक्सीन लेके बैठे होंगे। मैं जानना चाहती हूँ कि जब कंट्रोल इनके पास था तो ऑर्डर ग्लोबल टेंडर कौन फ्लोट करता, इनको करना चाहिए था। इनके अब जो डॉक्यूमेंट इन्होंने रिलीज किया इसमें कितने झूठे मैं
भी आपको पढ़ के बताऊंगी, लेकिन आज अगर ये कह रहे हैं हम प्रयास कर रहे हैं, तो आज ये किसी भी दुनिया की किसी भी कंपनी के पास चले जाएंगे कि हमें इतने वैक्सीन चाहिए, हमारी इतनी जनसंख्या के लिए वैक्सीन चाहिए, तो वो नहीं एकदम से उत्पादन हो सकेगा। हो सकेगा क्या, सोच के देखिए। अगर यही चीज़ जून 2020 में कर दिया जाता तो आज तैयारी बेहतर होती। आप देखें कि जिस प्रकार से ये सरकार बता रही है, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये जो गैप बढ़ाया गया दोनों वैक्सीन, याद है ना पहले क्या था कि भाई 4 हफ्ते 6 हफ्ते के बीच में आप वैक्सीन ले लीजिए, फिर बढ़ा दिया गया। क्यों बढ़ाया गया? यही काम यूके में भी किया गया, यूनाइटेड किंगडम में, क्योंकि वहाँ पर भी वैक्सीन की कमी होने की बात हो रही थी, और उन्होंने जो ड्यूरेशन बढ़ा दिया, उससे यह हुआ कि ज़्यादातर लोगों को पहली वैक्सीन का डोज तो लग गया, तो ज़्यादातर लोग ये कर रहे हैं। अब हमारे देश की अगर आप बात करें तो ये देखिए कि जिस प्रकार से फाइजर की एप्लीकेशन थी उसको इन्होंने होल्ड पे रखा, अब कह रहे हैं वो इस तरह के कंडीशन रख रहे थे, तो आप बात करते ना, आप उसका रास्ता ढूंढते। आप इस समय भी तो कर रहे हैं वही काम, इस समय तो हम लोग वेट कर रहे हैं कि हमारी मदद कौन करे। हम इस स्थिति में नहीं थे साथियों, हम ऐसी स्थिति में थे कि हम दुनिया को वैक्सीन उपलब्ध करा सकते थे। आपको याद होगा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आदर पूनावाला ने ये भी कहा था कि मुझे 3,000 करोड़ रुपये चाहिए और अधिक मात्रा में वैक्सीन को बनाने के लिए। उन्होंने ये कहा था कि मैंने जिन कंपनीज के साथ, जिन देशों के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, मैं उनको भी वैक्सीन नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैं अपने देश के लोगों को वैक्सीन देना चाह रहा हूं, लेकिन अपनी फैसिलिटीज़ को रैंप अप करने के लिए, अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए, अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्हें 30,000 करोड़ रुपये की ज़रूरत थी। तो क्या ये काम उस वक्त सरकार को नहीं करना चाहिए? अब कोवैक्सीन जो है, जो भारत बायोटेक ने बनाई है, उसको इन्होंने दूसरी कंपनीज़, और भी 3 कंपनीज़ को दिया है उसका फॉर्मूला ताकि वो बना सके। अब सरकार के झूठ जो है, मैं वो आपको बताना चाहती हूँ। झूठ के पहले 2-3 बातें और बता दूँ। गैवी कोवैक्स ये एक ऐसा बनाया है अलायंस WHO ने, जो WHO यूरोपियन कमीशन ऑफ फ्रांस के ने बनाया है, और इसमें गवी को लेकर कोवैक्स बनाया गया है, जिसमें हर देश जो है वैक्सीन्स देगा, और वहाँ से उन देशों को भी वैक्सीन्स मिलेंगी जिनके पास पैसे नहीं है, जो गरीब हैं, जो मध्यम वर्गीय हैं, जो गरीब देशों में आते हैं, ताकि किसी को भी वैक्सीन ना मिले, ऐसा ना हो। तो हमारे देश ने क्या किया, उस गवी कोवैक्स में हमारी भी हिस्सेदारी है, हमने भी साइन किया है, और करना भी चाहिए, सबकी मदद होनी चाहिए, लेकिन अपने देश के लोगों के एक्सपेंस पर होनी चाहिए। हमारे देश ने सबसे पहले गवी कोवैक्स में वैक्सीन भेजी, जिसमें से 60,000 वैक्सीन घाना में 1 मार्च 2021 को वहां के लोगों को दिया गया। मतलब हमारे यहां उस वक्त केवल फ्रंटलाइन वॉरियर्स को मिल रहा था, लेकिन हमारे यहां से जो वैक्सीन गवी कोवैक्स में गया, और हम सबसे पहले देशों में थे जिन्होंने गवी कोवैक्स में दिया, वो वैक्सीन किसी और देश के लोगों को लगी। अपने घर में चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर में नुकसान करके हम दूसरों के घर को बचाने के लिए जाते तो नहीं है ना। उसी प्रकार से हमने जो 1,42,00,000 वैक्सीन अपने तरफ से मुफ्त में अपने मित्र देशों को दिया, वो भी उन देशों को दिया जिनकी स्थिति हमारे से बेहतर थी। अगर वो वैक्सीन हमारे देश के लोगों को उस वक्त लग जाती तो स्थिति बिगड़ने से बच सकती। अगर हमारे प्रधानमंत्री तैयारी पहले कर लेते तो स्थिति बिगड़ने से बच जाती। अगर वे ये नहीं कहते कि हमने जंग जीत ली है, अहंकार में डूबे रहते हैं और ऐसी बात ना करते, तो आज स्थिति बेहतर होती। अगर कुंभ में लोगों को निमंत्रित ना करते, अगर इलेक्शन रैली ना करते, तमाम ये सुपर स्प्रेडर इवेंट्स ना होने देते, किसानों की बात को मान के उन्हें घर भेज देते, तो कई तरह से हम इस बीमारी से लड़ते और बेहतर रूप में लड़ते। अब देखिए कि हमने कोई तैयारी नहीं करी। अगर आप देखें कि इन्होंने क्या क्या कहा है, इन्होंने एक बात कही है कि सेंटर इज़ नॉट डूइंग इनफ टू बाय वैक्सीन फ्रॉम अब्रॉड, और इन्होंने कहा कि नहीं, हम उनसे बात कर रहे हैं जून 2020 से। अगर आपने किया तो जून 2020 में दूसरे देशों ने तो ऑर्डर्स दे दिया, आपने ऑर्डर क्यों नहीं दिए? इसका मतलब ये है कि ये झूठ बोल रहे हैं। और जिस तरह से ये बात कर रहे हैं स्पुटनिक के बारे में कि स्पुटनिक जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही कोशिशों की वजह से उनको स्पीड अप करा उन्होंने ट्रायल, किस तरह की झूठी बातें ये बता रहे हैं। रशिया ने हमारे को 2 ट्रायल भेज दिए हैं
और जो उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है IPR जो होता है उसका ट्रांसफ़र दूसरी कंपनियों को किया जाना है वो जल्द कर लिया जाएगा ताकि उसी फॉर्मूला से दूसरी जो कंपनीज़ हैं वो उसे मैन्युफैक्चर कर सके और हमारे देश को मिल सके। दूसरा मित इन्होंने कहा है कि जो केंद्र है इन्होंने जो वैक्सीन्स पूरी दुनिया में मिल रहे हैं उनको अप्रूव नहीं किया, जबकि ये बताते हैं कि इन्होंने बहुत आसानी से और देशों के वैक्सीन्स को आने दिया, जिसमें USFDA, EMA, UK के MHRA और जापान के PMDA और WHO की इमरजेंसी यूज़ लिस्टिंग वाली जो वैक्सीन है उन सब के लिए रास्ते आसान कर दिए कि वो भारत में अप्रैल में आ जाए। अप्रैल में, तो आप अब तक सो रहे थे, तो क्या आपको ज़रूरत ये नहीं थी कि आप जाते इन कंपनीज़ के पास, आप वेट करें कि वो हमारे पास कब आएंगे इसके? और फिर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई भी एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं है किसी भी फॉरेन मैन्युफैक्चरर की। यहाँ पे आपको बता दूं कि फाइज़र ने इनको जो एप्लीकेशन दिया था वो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था, वो इसी साल के शुरू में। अगर उसी को अप्रूवल देते थे तो अभी तक फाइज़र की फाइज़र की वैक्सीन भी हमारे पास होती। फिर इन्होंने तीसरा मिथ कहा है, सेंटर इज़ नॉट डूइंग इनफ टू रैम्प अप डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन्स, कि हम बहुत अधिक नहीं कर रहे। मैं आपको बता रही हूँ, अब इन्होंने 3 पब्लिक सेक्टर यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। बताइए, वैसे तो सरकारी जितने संस्थान हैं सब बंद कर रहे हैं, अब इन्होंने 1 PSU स्टार्ट किया ना, 3 करने पड़े इन्हें वैक्सीन के लिए। अब शायद इन्हें समझ में आया होगा कि PSUs का क्या महत्व है और उसको अब शुरू कर रहे हैं। अगर यही काम पिछले साल हो जाता या कम से कम इस साल के शुरू में हो जाता तो आज आपकी और मेरी स्थिति ये नहीं होती। और कोविशील्ड के प्रोडक्शन के बारे में भी इन्होंने बहुत सारे झूठ बातें बताई हैं कि कोविशील्ड जो है उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में, लेकिन मैं उस पर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी अभी। लेकिन चौथी बात बता रही हूँ, सेंटर शुड इन्वोक कंपल्सरी लाइसेंसिंग, मतलब हर कंपनी का जो है उसको कंपल्सरी लाइसेंसिंग कर दो। तो इन्होंने कहा है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्पुटनिक का हमने उनसे ले लिया है क्योंकि वो कंपनी का है, और कोविशील्ड का हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोवैक्सीन के बारे में आपको बता दूं ये कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कोवैक्सीन जो है इसका IPR जॉइंटली ओन्ड है ICMR और भारत बायोटेक द्वारा, यानी कि ICMR तो सरकार का एक अंग है, तो अगर सरकार के अंग के पास उसकी ओनरशिप राइट्स है, उसका स्वामित्व है, और भारत बायोटेक के पास भी है, तो सरकार के पास भी तो है। तो इसका मतलब है अगर सरकार चाहे तो और कंपनियों को ये दे सकती थी और दे सकती है इसे मैन्युफैक्चर करने के लिए। अब क्यों कर रहे हैं आप? अब भी तो कर ही रहे हैं ना, इसलिए ये झूठ ये बता रहे हैं अपना मिथ बस्टर में। सेंटर हैज एब्डिकेटेड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द स्टेट्स, कि केंद्र ने अपनी जो जिम्मेदारी है उससे राज्यों पर फोड़ दिया है, उनके ऊपर पास ऑन कर दिया। ऑफ कोर्स दे हैव पास्ड ऑन द बक, क्योंकि जो जिम्मेदारी उनकी थी उन्होंने अचानक से नहीं, ये राज्य कह रहा। अरे शुरुआत में तो आपके हाथ में था ना सब, शुरुआत में आपने ये सब काम कर लिया होता तो ये दिक्कत नहीं होती। कोई राज्य आपको ये नहीं कहता कि आज भी आप जानते हैं कि जो वैक्सीन्स हैं वो लोगों के पास उपलब्ध नहीं है, राज्यों में उपलब्ध नहीं है। मैं उत्तराखंड में रहती हूँ जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार है, मगर 45 साल से कम लोगों की वैक्सीनेशन अभी तक शुरू नहीं हुई है। 45 साल से ऊपर की वैक्सीन चल रही है, लेकिन जो ज़रूरी है कि उससे नीचे वाली वैक्सीन है उसके बारे में कुछ नहीं हो रहा है, और बार बार ये कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते तक स्टार्ट हो जाएगा। अब छठा मिथ, सेंटर इज़ नॉट गिविंग इनफ वैक्सीन्स टू द स्टेट्स, तो कह रहे हैं हम क्या करेंगे, हम थोड़ी रखेंगे, हमारे पास जो वैक्सीन्स आ रही है वो हम जो नॉन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चैनल है वहाँ से 25% डोजेज मिल रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल को 25% डोजेज मिल रहे हैं, और ये जितने हैं पास ऑन कर दिए जा रहे हैं। अगर मिल रहे होते तो आज ये स्थिति तो नहीं होती, आप जानते हैं ये, यानी कि ये झूठ बात बता रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं सेंटर इज़ नॉट टेकिंग एनी स्टेप टू वैक्सीनेट चिल्ड्रेन, ये 7th मिथ है कि लोग कह रहे हैं कि सरकार जो है वो बच्चों की वैक्सीनेशन के बारे में कुछ नहीं सोच रही है क्योंकि ट्रायल्स चल रहे हैं और किसी भी देश में नहीं हुआ। ये इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कनाडा में शुरू हो गया है, अमेरिका में भी कहा जा रहा है, इज़राइल में, क्योंकि सारी पॉपुलेशन को उन्होंने वैक्सीनेट कर दिया है तो बच्चों को भी तो वैक्सीनेट कर दिया ना, और UK में भी कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन होगी। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ये जो इन्होंने 7 मिथ बताए थे ये झूठे हैं, ये सच्चे नहीं है। अब ज़रूरी यह है कि सरकार मिथ बस्टिंग काम करने के बजाय और इवेंट मैनेजमेंट करने के बजाय, क्योंकि ये सरकार जो है ना, दिस इज़ अ गवर्नमेंट विच मैनेजेस मिसमैनेजमेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट, तो इनको इवेंट मैनेजमेंट और अव्यवस्था
बंद करके अब व्यवस्थाओं की तरफ बढ़ना चाहिए और लोगों को वैक्सीन उपलब्ध हो। जो हो चुका वो तो आप ठीक कर ही नहीं सकते, मगर ये तो हमें पता चल गया कि कुछ दिन के बाद प्रधानमंत्री जी फिर टीवी पे आएंगे और रोएंगे और कहेंगे मुझे बड़ा दुख होता आपके इतने लोगों के घरों में से मतलब परिजन जो है उनकी मृत्यु हो गई है, मेरा दिल टूटता है, मैं बड़ा असहाय महसूस करता हूँ कि ऐसा हो गया, मैंने पूरी कोशिश करी थी। और आप लोग भी सब माफ करने चल पड़ेंगे, लेकिन भूलिएगा मत ये प्रधानमंत्री की वजह से है कि आज ये स्थिति है, ये प्रधानमंत्री की वजह से है कि जो लोग आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, ये प्रधानमंत्री की वजह से है जो गिद्ध कौओं की तरह लोगों के ऊपर जो तमाम दवाई वाले हैं और तमाम एम्बुलेंस वाले हैं वो टूट पड़ रहे हैं, जहाँ पे लकड़ी नहीं मिल रही है, लोग जो जिनकी मृत्यु हो रही है, जिनको दफन करना पड़ रहा है, सनातन धर्म वालों को, जिनको आरएसएस वाले कहते थे कि जाके सरहद पे लड़ेंगे, वो आरएसएस वाले कहाँ हैं? उनको आज बाहर निकल के आना चाहिए, अपने बिलों में छुप कर बैठे हुए हैं, सिर्फ सत्ता के बारे में सोचते हैं, देश को दीमक की तरह खा गई ये आरएसएस, ये आरएसएस के कार्यकर्ता आज कहाँ हैं? जो लोगों की शव जो हैं वो दफन कर दिए गए हैं गंगा मैया के तट पर, उनको बाहर निकालिए, उनके ऊपर से कपड़े मत हटवाइए भगवा, उनको निकलवाइए और उनका अंतिम संस्कार रीति रिवाज के साथ कर दीजिए ताकि उनकी आत्माओं को शांति मिल सके। मुझे नहीं लगता कि आप ये सब कर सकेंगे, केवल मिथ बस्टिंग करने का काम करने के बजाय ये सरकार जिम्मेदारी ले ले तो बेहतर होगा, बिकॉज दिस इज अ रॉयल मेस अप डन बाय द गवर्नमेंट। और सरकार को जरूरत है कि जो देश दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स में से एक होता था उसकी व्यवस्थाओं को ठीक करें और तुरंत ही और भी कंपनीज़ को इसमें इन्वॉल्व करें, जितने लोग हैं उन लोगों को वैक्सीन जल्द से जल्द लगे, क्योंकि नहीं हो रहा है। कह रहे हैं कि वैक्सीन हम भेज रहे हैं, भाई वैक्सीन भेजोगे कैसे जब शॉर्टेज है? अब अगर जाओगे किसी के पास दुनिया में किसी भी कंपनी के पास मांगने के लिए इतनी बड़ी नंबर में वैक्सीन, तो वो कैसे आपको इमीडिएटली दे देगा? उसे समय लगेगा ना, तो इसकी गलती किसकी? अगर आपने जून 2020 में ऑर्डर दिया होता जिसके बारे में आपने झूठ बताया है, तो शायद ये स्थिति आज हमें नहीं फेस करनी होती। जितना इन्होंने जो भी काम करे हैं वो आप ये समझ लीजिए कि ये केवल आप लोगों को आप भ्रमित कर रहे हैं। अब ज़रूरत ये है कि हम सरकार को ये कहना चाहते हैं कि हम सब आपके साथ हैं, लेकिन इसके लिए आपको हमारा साथ भी लेना होगा, आपको हमारे सुझाव लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये जंग है, ये सचमुच में एक अदृश्य दुश्मन के साथ जंग है, लेकिन ये अदृश्य दुश्मन एक बीमारी है, एक वायरस है। इस वायरस को संभालने के लिए, रोकने के लिए, वो वायरस जो जहर फैलाते हैं, जो नफरत फैलाते हैं, वो जहर और नफरत फैलाना बंद करें और लोगों की बातों को सुनना शुरू करें। दोबारा आपसे मुलाकात होगी, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को पता चले कि यह सरकार कार्य नहीं कर रही, अभी भी केवल मिथ बस्टिंग का काम कर रही है। सरकार का काम है कि वे सवालों के जवाब दे, सवालों के जवाब के साथ साथ उनका समाधान दे। मिथ बस्टिंग का काम किसी और दिन के लिए, किसी और के लिए छोड़ दीजिए। और जिस प्रकार से डॉक्टरों का अपमान किया है रामदेव यानी कि रामकिशन यादव ने, उसको अरेस्ट करें, उसका संरक्षण करना बंद करें।